न्यूज 18 दे खास शो डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट तुंदे सबे दा स्वागत है। उद्घाटन होया दा अज शिवसेना डोगरा फ्रंट पासिया एक प्रोटेस्ट किया गया है ते एक मंग चुकी गई है कि जो रश दिखते हुए जो माता वैष्णो देवी लखा की तादाद जो श्रद्धालु पूजा दे ने उनकी सहूलत के देखते हुए जल्द जल्द उत्थे गंडोला की जो सर्विस है उसकी शुरुआत की जा। साडे कन्ने जो शिवसेना डोगरा फ्रंट के जिहड़े प्रधान ने अशोक गुप्ता वह मौजूद ने। तुस मंग चुकी है कि दो गंडोला ने उसकी शुरुआत की जाए। गंडोला स्टार्ट किए जाने ताराकोट से सांझी छत शंकराचार्य मंदिर से अधोकुआरी 5,30,000 लोग 3 दिन में 5,30,000 पैर रखने जगह नहीं तिल रखने जगह नहीं जिस बोगे च 200 लोग आते 500 आवा दे सारा सिस्टम चरमराई गया फेल हो गया। पानी पीने की जगह नहीं लाइना लगी लंबिया सीईओ अपने दफ्तर थले नहीं आई सकिया मूवमेंट बंद हो गई कोई कमरा खाली नहीं सड़क खाली नहीं पानी पीने की जगह नहीं रुटी खाने की जगह नहीं। ये आपातकाल स्थिति की दिखी है। एक गंडोला नहीं चाहिए भाई दो गंडोले चाहिए। उपराज्यपाल जी तुसे उपर दुर्गा भवन बनाया ना मनोकामना भवन गरीबे लई हा तुसे सारी पुलिस उत्थे रखी उड़ी खाली करो सी गरीब उत्थे जे टिकी पान पुलिस का प्रबंध कहीं और करो और नीचे एक और दो तीन चार दुर्गा भवन बनाओ ताकि लोग गर्मी के अंदर खड़े नहीं रहें। बाकी सारा प्रबंध इनको यहाँ रुनाथ बाजार के अशोक जी बाजार से पर्ची चालू करो। अशोक जी जिया के पर्ची चालू करो। हुकूमत ने पहले के एक कमेटी बनाई थी ये वास्ते जो कटरा के दुकानदार ने उनके कने गल करने ताई कमेटी बनाई थी। अरे यात्री हो गए कटरा बचग भक्त आगन तो कटरा रोग भक्त अगर बंद हो जाए कटरा कदा जाग तो पी अगर ज्यादा आइए सड़क पर सौगन खाने ही कख नहीं मिलग क्योंकि माता वैष्णो देवी दर्शन करने ही आए कटरे आले जम्मू आले कठुए आले पठानकोट आले कोई मैटर नहीं करते। मैटर के करता है भक्तें की सेवा मैटर के करता है सुचारू रूप कने चलना जल्दी जान जल्दी आन अच्छी व्यवस्था बनाए और उदे लई उक्के दो उपाय न कि दो गंडोले चलाओ जल्दी जल्दी प्रबंध करो और जल्दी जल्दी चालू करो। तुसे दुर्गा भवन उपर बनाया ना उपर राज्यपाल जी ने किन्नी देर होए आए दे ते चार पांच भवन बनाओ गरीबें उसे ये भी गरीबें ही रखने लई बनाओ ये कमरे जेड़े ना मीरे लई मत बनाओ मनोकामना भवन सारा खाली करो उत्थे गरीबें रोने लई जगह बनाओ। ये भी मंग तुंदे पासे चुकी गई है कि रघुनाथ बाजार तां जे ये पर्ची है ये इहदी शुरुआत कीती जाए तां फुल होई जा रघुनाथ बाजार चा पर्ची कटाओ ना लोकें पुरानी मंडी चा कटाओ ना ये बाजार जेड़े सुन्ने पे दे 5,30,000 लोग कटरा जम्मू एक भी नहीं ए मतलब सारा सिस्टम चलाने का जोड़ा वो अंदर कमी है उसी दूर करना चाहिए। इतों के लोग भी असन बसन कटरे वाले भी बसन लेकिन जोड़ा भगत आवे वह भगत कुहा प्यो का नहीं है वह कटरे वाले का नहीं है जम्मू वाले का नहीं है वह माता राणी का भगत है और माता राणी की भगत की सेवा होनी चाहिए। ये प्रथम कर्तव्य श्राइन बोर्ड का और श्राइन बोर्ड यदा फ्लड भगत ना आया 5,30,000 लोग 3 दिन है जब तक तुस दो गंडोले नहीं चला गए हो ये प्रबंध चरमाने वाला है ये प्रबंध अगे बदने वाला नहीं है। जिया कि रश पवा दा इस वक्त माता वैष्णो देवी विच ते 5.5 लाख जो श्रद्धालु है पिछले 3 दिन च जो है माता वैष्णो देवी दे भवन च पुजे ने ते उन्हां उत्थे जिहड़ी सर्विस है जिहड़ी सहूलत उन्हां नूं मिलनी चाहिए है वो उस तरह की नहीं मिला दी है। ये कहना है शिवसेना डोगरा फ्रंट आ ते इसी देखते हुए दो गंडोला उत्थे चलाए जान ताकि जो दुनिया तो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी पुजदे ने उन्हां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा सहूलत दी जा सके। कैमरामैन आशु कन्ने राजन वैद न्यूज 18 जम्मू। तुस दिखा करदे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट अज अस तुसें लिया है सांबा जिले के द्वारका पुरी इलाके दे बेच और इसलिए जम्मू पठानकोट जंदे वाली सड़क के कंढा अस खड़ोते हैं और तुस मेरे पिछे एक बिल्डिंग दिखा करदे होगे। इस बिल्डिंग का निर्माण जिहड़ा है वह 2008 दे विच कीता गया और इस बिल्डिंग की किस परपज ताए बनाया गया वह भी अस तुहानू दस्से चलचा। ये पहले यह दस्सिया कि ग्रामीण विकास विभाग सांबा की बखीरा इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया ताकि जम्मू कश्मीर के आने वाले जम्मू पठानकोट जंदे वाली सड़क के उपर सफर करने वाले जिहड़े श्रद्धालु ने वो इस बिल्डिंग का फायदा चुकी जगन ताकि ताकि गल कर चगन सैनेटरी कंपलैक्स एक बनाया गया एक शौचालय जिहड़ा वड्डा जिहड़ा है वह बनाया गया लेकिन 2008 दे विच निर्माण किया गया
ताकि अंडर बीएडीपी यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यह जरा इस स्कीम के तहत इसी बनाया गया और बिल्कुल अस जम्मू पठानकोट जंदे वाली सड़क के कंडे खड़ोते हैं और बिल्कुल द्वारकापुरी धाम जरा एक देव स्थान है उत्थे इस लास मौजूद है और उत्थे इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है ताकि जम्मू कश्मीर के जो श्रद्धालु आते हैं माता वैष्णो देवी या अमरनाथ यात्रा की आते हैं तो वो इस शौचालय का जरा ला नहीं सकन। लेकिन बड़ी बदकिस्मती वाली गल है कि 2008 के इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया ग्रामीण विकास विभाग सांबा की बखी का, लेकिन इस बिल्डिंग का रख रखाव या इस बिल्डिंग का फायदा जो श्रद्धालु ने लभना वो बिल्कुल नहीं लभा। अज तक बिल्डिंग जी बंद पे रही, तमाम तो उस बिल्डिंग के शीशे देखी सकते हो टूटी गए हैं और अस अंदर जी थोड़ा ये दसना चाहिए कि कुछ हालत है और इसलिए अगर गल करचै तो बिल्कुल बड़ी ज़्यादा स्मैल जी अंदर आवा करती है। तुम तमाम देखी सकते हो ये बाथरूम जोड़े ने यह बनाए गए हैं ताकि शौचालय की जी फैसिलिटी है और जम्मू कश्मीर के जोड़े लोग आते हैं उन्हेंगी यदि फैसिलिटी मिली सकै। लेकिन बड़ी बदकिस्मती वाली गल है कि कोई भी यदि फैसिलिटी जी है कि श्रद्धालुओं की जी अजे तीन नहीं ली और बिल्डिंग जी है दिनों दिन खंडरों की जा करती। 2008 बड़ी बड़ी गल है कि 2008 के नाड़ा निर्माण जोड़ा है किया गया हा और इसलिए अगर गल करचै तो बड़ी ज़्यादा स्मैल जी अंदर वो आवा करती है। साढ़े कने इतों के लोग भी बने इन कने अस गल करचै, लेकिन फिलहाल अस बाहर जी थो इस बिल्डिंग की थोड़ी जी दशा जी दूरदशा इस बिल्डिंग की जी हुई है वह भी अस दसने। तुम ये देखी सकते हो इस वक्त ही देखी सकते हो ये शीशे देखी सकते हो कि कियां टुटे दे ने बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इस बिल्डिंग बलगदी रे बिल्डिंग की इस बिल्डिंग का उद्घाटन जोड़ा है वह किया जा, लेकिन उद्घाटन नहीं हो सकया और आले दुआले की अगर गल करचै तो बिल्डिंग जी है बिल्कुल एक जंगल के तब्दील होई दा इलाका पूरा जंगल बनी दा और इस बिल्डिंग की हालत तुम देखी सकते हो कि खस्ता हो गई और बिल्कुल खंडर बनती जा करती है दिनों दिन। और साढ़े कने इतों के एक नौजवान है वो बने इन कने अस गल करचै, एक मिनट थोड़े कने गल करके अस के ना थोड़ा इधर रमन कुमार। अच्छा रमन जी तुसी इत्थे दिखदे हो रोंदे हो कुदी बखी दा तुसी इत्थे रोंदे हो कि असी संत श्री कुलदीप शास्त्री इत्थे रहने असी गोसा इत्थे दे जेड़ा देव स्थान है द्वारकापुरी इत्थे रोंदे हो तुसी? हां इत्थे द्वारकापुरी रहने असी देव स्थान द्वारकापुरी रहने ते ये कंपलेक्स डिपार्टमेंट दी तरफ दा सानू कुदी इहदी दित्ती आ ना कोई सुविधा दित्ती आ अमरनाथ लंगर लगता है यात्रु रुकते हैं वैष्णो माता रुकते हैं यात्रु आनी आनी इस कंपलैक्स गंद पेदा अं आपे चलो थोड़ी साफ सफाई करने लेकिन डिपार्टमेंट का कोई 2008 का बने 14-15 साल हो बने दे, तो कोई डिपार्टमेंट का बंदा एक बार भी देखना आया कि पूरा एरिया सुनसान जंगल एरिया पूरा बने पेदा कि सू आपे साफ सफाई करनी पी खुद दिखना पौधा पूरे शीशे शूशे सब कुछ टुटी गया। डिपार्टमेंट ने जिम्मेवारी दी थी? नहीं 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 अहें आपे खुद ही इं मतलब सेवा वास्ते लगे हैं सेवा फिर साफ सफाई करी ने आनी है। अच्छा अंदर की हालत है इसलिए बाथरूम अंदर मतलब कि अंदर इन्नी खस्ता हालत बुरी है तो अंदर जाने दिल नहीं करता इन्नी स्मैल ना बदबू ना बुरी हालत अंदर जाने बिल्कुल मन करता ही नहीं है। लेकिन फिर भी असें मजबूर हाँ कि अस चाहते हैं कि लोग बेचारे इतना आते हैं यात्रु रुकते हैं आनी है कि लोग कोई पेशाब लैटरी बाथरूम च जाना होता अस चाहते हैं कि बेजती सारी द्वारकापुरी बेजती नहीं है खस्ता अगर ये हालत दिखिए तो द्वारकापुरी की बेजती है कि नहीं है हूँ डिपार्टमेंट का कोई बंदा आवे इतने देखे स्थल या अंदर नहीं कोई बढ़ी नहीं सकता इन्नी स्मैल है के चाहते तुम क्यों अच्छा चाहते कि डिपार्टमेंट की तरफ का कोई सूँ आनी थोड़ी सुविधा दई जान ठीक ठूक कराई रिपेयरिंग कराई रिपेयरिंग जो काम है छोटा मोटा जो भी है लखा रुपया लगते हैं रिपेयरिंग करवाई होनी ठीक करिए मोटर लवाइए देो टैंकी बनाइए देो बहर उपर भी टैंकी की बुरी हालत है पानी वाली टैंकी पानी जिसल पानी उपर टैंकी पानी बने पूरी लीकेज है पूरी टैंकी खा लेंगे अस किन्ने बारी मोटर लगाई किन्ने बार टैंकी भरी यात्रु जो यात्रु अंदर नहीं गंद पाई चली स्मैल तो खुद ही देखी लिया कितनी स्मैल अंदर जाने का दिल नहीं करता भाई गेट को खड़े इसलिए अंदर जाने मन नहीं करता बिल्कुल। ये साढ़े कने एक साथी बने दे मैं पहले ही दस दिता कि एक सेवा करा कर देना है क्योंकि इस कंपलैक्स जिते गौरमेंट ने कंपलैक्स बनाया ये कने एक देव स्थान है जिसी द्वारकापुरी आदि और लोग इतने पूजा अर्चना कर मत्था टेकन आते हैं स्नान कर आते हैं उस ट्रस्ट की बखी का सिर्फ सेवा की जा करती है ताकि अगर जो श्रद्धालु आवा करते हैं उन्हेंगी यह नहीं लगे कि जम्मू कश्मीर के अगर ये बिल्डिंग बनाई गई है और उन्हेंगी गंदगी जी इतने देखने लगती है और वह की कर अपनी सेवा जी इतने दया करते। लेकिन अगर इन्हें भी सवाल चुके हैं कि डिपार्टमेंट की बखी का जो बिल्डिंग बनाई उसके बाद कोई यदा रख रखाव नहीं ना उद्घाटन किया गया और तमाम जोड़े श्रद्धालु जोड़े आने हैं जिंदे तय बनाने उन्हें फैसिलिटी जी प्रॉपर नहीं लभी सकी। इंदा यह भी गलाना है कि अंदर अगर बिल्डिंग की अगर गल करचै तो जिन्हें शीशे गोरमेंट की बखी का इतने लाए गए हैं बिल्डिंग वो सारे तोड़ी दिए गए टाइल टुटा कर दी और बाथरूम जोड़े अंदर टूटिया ना वो भी टूटी गई और फैसिलिटी जी बिल्कुल नामात्र है। और अगर इसलिए अस गल करचै तो करोड़ों लखा रुपये गोरमेंट ने
खर्ची है बॉर्डर एरिया डिवेलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस बिल्डिंग का निर्माण किया उस स्कीम के तहत निर्माण किया ताकि जम्मू कश्मीर के जोड़े अलग अलग राज्य के जो श्रद्धालु ज टूरिस्ट जे आते हैं उन नैशनल हाईवे पर सफर करते हैं उन्हें शौचालय का जरा लाभ जरा लभी सकता लेकिन बड़ी बदकिस्मत की गल है कि जिला प्रशासन सांबा जरा गहरी नींद में सुते और अगर गल करचै नैशनल हाईवे की तो कई सरकारी बाबू चाहे कठुए की गल करचै जम्मू की गल करचै सांबा की गल करचै कई सरकारी अधिकारी रोज़ इस नैशनल हाईवे पर सफर करते हैं बिल्कुल नैशनल हाईवे के कंढे ये बिल्डिंग जी बनी है लेकिन इस बिल्डिंग के रख रखाव ताएं ठीक करने ताएं कोई कदम नहीं चुकया जा करते अमरनाथ यात्रा फिर आवा करती है सरकार लखां रुपये फंड खर्चती है कि नए वाशरूम जड़े ने वो तैयार करती है हाईवे के कंढे कंढे अगर इन बिल्डिंग सरकार को पे दी तो क्यों नहीं रख रखाव किया जाता क्यों नहीं फैसिलिटी श्रद्धालुएं दी जाती दिखने वाली गल है कि जिला प्रशासन सांबा किन्ने तौले हरकत में आई है इस बिल्डिंग की रख रखाव ताएं कोई कदम चुकता इस बिल्डिंग की साफ साफ सफाई ताएं कदम चुकता और इस बिल्डिंग की ठीक करता ताकि जम्मू कश्मीर के आने वाले श्रद्धालुओं की जरा लाभ जरा वो लभी सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमां मैं शाम सुंदर ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम स्वागत है तो सनाई ओड़े कि इसलिए अस जम्मू कश्मीर के पहले रेलवे स्टेशन कठुआ के उपर पुजे हैं और तुम सनाई ओड़े कि इतना जोड़ा रेलवे विभाग है वो तरफों इतने एक लगभग 100 फुट उच्चा जोड़ा झंडा इतने लाया गया और इतों लोगों इसी लिए काफ़ी खुशी जी इजहार करा करते हैं साढ़े कुछ समाज सेवक स्थानीय लोग खड़ोते हैं पूछने कि क्या मैसेज लोग इतों जी एडा वा झंडा लग गया और क्या देखते हो कि देशभगती का कि जज्बा जोड़ा लोगों होर आना इसी दिखिए। नमस्कार जी सारे नमस्ते और न्यूज़ 18 चैनल का भी शुक्रिया आए दिन इतने इस चीज़ की कवर करने क्योंकि जल गल राष्ट्र की आती गल देश की आती है तो हर बंदा जरा चाहता है कि मेरी भूमिका जी रोह कुछ ना कुछ तरीके अज कठुआ रेलवे स्टेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन तुम जानते हो जरा पूरे इंडिया की जम्मू कश्मीर कने पहला जरा लिंक स्टेशन है वो पुराना स्टेशन है प्राचीन स्टेशन है और इस स्टेशन का एक इतिहास भी रहा कि जल्द रेल मार्ग जो जुड़िया हा तो सारे को पहले कठुआ कने जुड़िया हा इतना बड़ा सारा काम होता उस टाइम गुड्स का काम बड़ा सारा पूरी जम्मू कश्मीर से सप्लाई होती ही इतना इतने बड़े सारे मतलब भाराओ हाँ तो उद कारण ही है जिंजा ही रेल जम्मू तक गई अगर लिंक बनया उस कारण थोड़ा जहा स्टेशन जो इग्नोर होना शुरू हो गया इग्नोर इन्ना कर होना शुरू हो गया कि जी डिवेलपमेंट अज तक होनी चाहिए वो ही नहीं है लेकिन जस्ट हूँ सरकार ने एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया रेलवे विभाग ने रेलवे डिपार्टमेंट ने कि एक पता नहीं एक प्लान इन आया कि हर स्टेशन पर एक तिरंगा लगाया जाए इन्ना उच्चा तिरंगा लाया जो घट को घट किलोमीटर दूरा लोगों की दर्शाया क्योंकि तुम्हें पता कि तिरंगा हर स्वतंत्र देश का एक जो ध्वज हों तो तुम्हें पता भारत जैसे एक राष्ट्र का एक देश का जोड़ा राष्ट्र मतलब तिरंगा है सड़ा वो राष्ट्र ध्वज है सड़ा तो साथी वो गल है कि जल्द तिरंगे की गल चलती तो मन च ना एक जज्बा जहा उठता एक देशभक्ति एक लहर आती है एक राष्ट्र के प्रति मतलब समर्पण की भावना जगती है तो गल पूछेंगे बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट भी बनया कि लगता किसी दिखने लोग भी दूर आगन तो कने के लगता कि डिवेलपमेंट रख दी जी डेफिनेटली बिल्कुल जी इतने तिरंगे की गल आई है उत्थे एक व्यू पॉइंट ऑलरेडी होंगे है क्योंकि इतना राष्ट्र के इंजा मतलब लगता कि असं इंजा मतलब एक बड़ा इंजा खुशी की अनुभूति होंगी इंसान की एक राष्ट्र के प्रति मतलब लगता कि मैं भी अपने तिरंगे कन्ने वो करे करना दूसरी गल ये आई कि यह जरा तिरंगा जरा 100 फुट का इतने कठुआ रेलवे स्टेशन इन्हें लाया कठुआ रेलवे स्टेशन तिरंगे के कन्ने एक पार्क भी है तो मुझे लगता कि तिरंगे कन्ने जल्द लोग दिखते ना यात्री आने वाले बाहरी स्टेट का कोई अदर स्टेट का या इतों के स्टेट का या नौजवान पीढ़ी या बच्चे जिसलै उनके अंदर एक नवे पीढ़ी के अंदर प्रेरणा की जरूरत है कि तिरंगा इहदा इतिहास जानने की जरूरत है ये साड़ा जिहड़ा उपर केसरिया रंग बिच श्वेत रंग थले जिहड़ा हरा रंग है इहदे बड़ी मतलब इहदे पिछे गूढ़ रहस्य छिपे दे ने इह बिच अशोक चक्र है जिहड़े जिहदे बिच चोरी 24 स्टिक्स ने यह सारा पिछे इतिहास छपे दा है तो गल आखण दी मतलब है कि तिरंगा एक स्वाभिमान की गल है बड़े गौरव की गल है साढ़े वास्ते। दूई गल है कि सरकार ने बिल्कुल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया रेलवे विभाग ने दूआ कठुआ स्टेशन की अनदेखी जी हुआ करती उहदे कन्ने भी मिगी कि तिरंगा आने कन्ने क्योंकि डिपार्टमेंट भी एक होंगी है अगर जितना तिरंगा लगे लागे बना उतना थोड़ा और भी ये पार्क है इस पार्क की थोड़ा खूबसूरत बनाया जा इसी गल पूछा कि नो डाउट कि जम्मू कश्मीर से हालात बल्ले बल्ले ठीक होगा करते हैं रिकॉर्ड तोड़ जो आखते नहीं सरकार का आखना है कि टूरिस्ट जोड़ा इतने पुजिया जम्मू कश्मीर लेकिन जिला कठुआ की गल करिए बड़े सारे खूबसूरत इलाके लेकिन इन्ना टूरिस्ट नहीं आई सकिया कि इस नया रोग और डिवेलपमेंट की और कितनी जरूरत है। देखो जी कठुआ जरा 3 संभाग जगह है एक अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है तो एक पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है जिसल इसलिए भी जितना बर्फ पेदी है कठुआ बड़ा अद्भुत जहाँ एक मतलब वो है बड़ा खूबसूरत जिला है लेकिन यदि बड़ी वीडी अर्निंग देखी की गई है 370 बाद सरकार प्रयास तो करी करती है लेकिन अभी भी जो प्रयास उन्हें करने चाहिए ना उतों तक सरकार पुजा नहीं करती है जिन्हें कि तुम मछेडी लुआई मलार बनी सरथल या इस तरह के बड़े अच्छे खूबसूरत जगह ने जिसे डिवेलप करिए अस पैरलर अभी कश्मीर के प्रति टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकते हैं
क्योंकि जो हिमाचल स्टेट लगती है पंजाब स्टेट लगती है रोड भी बने करते हैं वो भी कनैक्टिविटी भी अच्छी होती है। अगर तुम सरथल की डिवेलपमेंट करो सरथल स्विट्जरलैंड का इंजन लगता कि अभी मतलब अखा बंद करिए कहीं छड़ी तो जा तो अगर उसी दृश्य दसिया जा वो मतलब एक वह लगता कि मैं स्विट्जरलैंड के आई बड़िया ऐसी खूबसूरत स्पॉट ने कठुआ डिस्ट्रिक्ट अगर डिवेलप किया जाए मी लगता कि टूरिज्म च टॉप क्लास चली जा इन्ना टूरिस्ट इतने ईयरली आई आ कि हद कोला ज्यादा इतने बड़ी डिवेलपमेंट हो दूसरा सरकार की चाहिए कठुआ रेलवे स्टेशन बड़ी सारी गड्डी का स्टॉपेज नहीं है उस स्टॉपेज सरकार की करा की जरूरत है कोरोना के भी ना दो तीन गड्डियों का स्टॉपेज बंद किए देने मी लगता स्टॉपेज दूर है शुरू करने चाहिए लीडरशिप की कमी है जो सारे रिप्रजेंटेटिव दिल्ली बैठे देने उन्हें पता जो कठुआ दिखते नहीं या कठुआ की जरूरत ही नहीं है मी लगता कठुआ भी ध्यान देना चाहिए भाई इस डिवेलपमेंट का उद पर भी लियाना चाहिए नक्शे पर भी लियाना चाहिए तिरंगे के चाहे एक पहचान तो मिली है लेकिन कठुआ एंट्रेंस है जम्मू कश्मीर का प्रवेश है इस वास्ते इस खूबसूरत स्टेशन को और खूबसूरत बनाया जा सकता मॉडर्न स्टेशन के रूप से बनाया जा सकता इतना एंट्रेंस लगे लोगों की अभी जम्मू कश्मीर से प्रवेश करेंगे ना उस स्टेट जितने 370 लगे तो लोग डरते हैं लोग कमते इतने आने वास्ते लोगों का तो एक भय हों लेकिन अब वो टाइम आई है लोगों की प्रवाह कोई 370 की गल की शशि जी 370 घटने के बाद 15 अगस्त आई तुम भी एक टावर पर चढ़िया झंडा लहराया हा तो अज उड्डा गै वड्डा झंडा इतने लगे क्या आगे देखो जी कुदरती गल अस इस चीज़ें अगे जुड़े दे नवी पीढ़ी की प्रेरित करते रहने जल्द वो झंडा 15 अगस्त के उपर चढ़िया लगाया हा तो एक दिल च हौसला जज्बात है जो लोगों नवी पीढ़ी की प्रेरित करना सा टारगेट रहा है शुरू को उस फोकस करने कि नवी पीढ़ी जी है अपने राष्ट्र के प्रति अपने देश के प्रति अपने जो चिन्ह ने साढ़े राष्ट्रीय चिन्ह ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह ने या साढ़े देशभक्त ने या साढ़े लोग ने जो देश कुर्बानियां दी या साढ़ा राष्ट्र के इसी जानने की जरूरत है और युवा पीढ़ी प्रेरित करने वाली गल्ला होंगे चिरंगा लगे तो बड़े सारे लोगों की खुशी हुई मेरी बड़े सारे लोगों को मुबारक दी यार बड़ी अच्छी गल है बड़ा शैल होया इगलिया चीज़ें अगर होंदिया रोन तो देशभक्ति भावना लोगों की बढ़ती रोए देश के प्रति लोगों की समर्पण या त्याग की भावना लोगों की बढ़ी रोए तो यह देश और राष्ट्र सारा मजबूत रहे बिल्कुल शशि और है इन्हें भी सुनाया कि कुतै ना कुतै हुण लगता है कि जियां रेलवे विभाग अगे आया और इतने बड़ा उच्चा लंबा और चौड़ा जिहड़ा झंडा देश का जिहड़ा स्वाभिमान होंदा है वो इतने स्थापित किया होना और कुतै ना कुतै लोगों इसी दूरों दूरों दिखना और इन्हें लगता है कि हुण जियां डिवेलपमेंट का दौर इतने शुरू होया इन इलाके दे विच और नई उम्मीद इन्हें जगी और सरकार ने सुनेहा दिता कि जिला कठुआ की गल करिए बड़े सारे खूबसूरत पहाड़ी इलाके ने जिथे पर्यटन की बढ़ावा देने सरकार ही कुतै ना कुतै डिवेलपमेंट करने पौनी है और बड़ी इन्हें खुशी भी जाहिर की है कि जिहड़ा तिरंगा इतने अज लग्या और इलाके की इंदी एक खूबसूरत एक मंजर जो दिखने इतना लुभा करता और आने वाले दिनों उम्मीद इन्हें रखी है कि और भी डिवेलपमेंट इन इलाके होग। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तो चरणजीत सिंह तुम दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम रियासी दे विच इस वेले विद्युत बांध सलाल की तरफ का एक एक जी एडवाइजरी जारी की गई और उस एडवाइजरी दे विच सारे लोगों के अगे जी ये अपील की गई थी कि दरिया चनाब के कंडे तो इस वेले बिना काम के जेडे नहीं खड़वो की गई इस वेले डैम की जी साफ सफाई की जा रही है रिपेयरिंग की जा रही है चाहे वह गुजर कोठी का इलाका हो चाहे वह डैम टॉप का उपरी इलाका हो इस वेले रिपेयरिंग का काम खास तौर पर चला था और असें बड़ी बारी पहले भी जेह्ड़ा है हादसे जेह्ड़े ने जिस वेले लोगों कन्नै घटित होई जंदे ओहदे उपर भी असें खबरां जेह्ड़ियां ने ओह कीती दियां ने कि जिस वेले लोगों की एक अवेयरनैस नहीं होंदी कि दरिया दे कंडे खड़ोना इस वक्त या नहीं खड़ोना लेकिन इस वेले डिजिटल इंडिया का इस वेले जमाना है लोग सोशल मीडिया के राहें भी लगातार मैसेजेस जेहड़े ने सर्कुलेट करते रहिंदे ने एक दूए की माल मवेशी और आपे तुसें दरिया के कंडे बिल्कुल भी नहीं खड़ोना कि इस वेले साफ सफाई का काम जेहड़ा दरिया के कंडे इस वेले चला और पानी कुसे वेले भी बधी घटी सकदा और नुकसान आम लोगों की हो सकता मेरे कन्ने इत्थां दे के लोकल बशिंदे ने इंदे कन्ने गलबात करने विशाल सिंह और विशाल सिंह जी तुस भी बड़ी देर तक दिखते कि जिस वेले दरिया की साफ सफाई की जाती डैम की तो तुसें लगता कि पानी का बहाव जेहड़ा ज़्यादा उपर थले हो जाता नुकसान भी लोगों ही होंगे के कुछ जानकारी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता पानी बहुत ज़्यादा बढ़ी जाता और इस कारण के लोगों दरिया के किनारे नहीं जाना चाहिए और इस टाइम दरिया की सफाई होआ दी है पानी का कोई पता नहीं कुसे वेले भी बधी सकदा और लोगों के अगे गुजारिश है कि दरिया के किनारे नहीं जाना चाहिए हले और फिलहाल जिसे राफ्टिंग होआ दी है इन्हें भी खतरा हले तो देखा जाए तो ये भी इस वेले फिलहाल तो बंद रखी गई क्योंकि नोटिफिकेशन जी जारी की गई है सलाल NHPC तरफ का लेकिन तुसे लगता कि पानी कुसे वेले भी बधी सकदा घटी भी सकदा कुसे वेले भी खतरा पहले भी होए हां जी पहले भी होए पहले भी कई बच्चे बेचारे होंगे डेढ़ बाडियां नहीं मिली जाए तो फिलहाल लोगों
समझी समझिए इसके दरिया के किनारे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक आ क्या, और बिल्कुल पहले भी कई सारे लोगों दी डेड बॉडियां जड़ियां अज दिन तक नहीं लभियां, वह लोग जड़े ने अज भी जड़े ने इसे दरिया चनाव के कुदे जड़े ने लुप्त ने, और ये दरिया चनाव का पानी जड़ा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पानी इसी मन्ने जाता, और इस दरिया की जड़ा है काफ़ी खतरनाक दरिया जड़ा है इस वेले मन्ने जा रहा, कि यदि उफन दहर जो कुछ भी जड़िया स्पेयर नहीं कर 690 मेगावाट बिजली जी है सलाल विद्युत बांध जोड़ा वो तैयार करा दा साढ़े रियासी के सलाल में इस वेले है, और ये उपर जी है कम काज की जी प्रक्रिया जी पिछले कई दिन थवा जी चला दी है, गुजर कोठी का इलाका हो चाहे वह अखनूर का इलाका हो चाहे ये दरिया चनाव का पानी जोड़ा पाकिस्तान की भी जोड़ा टच करता है, और ये नुकसान जोड़ा पाकिस्तान तक भी पहुँचाई सकता।